काम सूत्र दुनिया भर में तहलका मचा देने वाली सदियों से आज तक सभी की आदर्श पुस्तक काम सूत्र के बारे में तो आप सभी ने पढ़ ही रखा होगा। वात्स्यायन ने काम क्रिया से संबंधित सभी आदर्श मुद्राओं एवं स्थितियों की चर्चा इस किताब में विस्तार पूर्वक की है, जिससे आज भी समस्त स्त्री पुरुष लाभान्वित हो रहे हैं। क्या होती है काम क्रिया? क्या है ये काम? काम का अर्थ होता है भावना या इच्छा, और इसके देवता हैं कामदेव। तो आज के इस एपिसोड में मैं कामदेव और देवी रति के मिलन की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। कामदेव और रति की प्रेम कहानी किस तरह शुरू हुई और किस तरह उस प्रेम कहानी का अंत हुआ, क्यों भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया और किस तरह कामदेव और रति का पुनर्मिलन हुआ। देवी रति प्रियतम सौंदर्य की स्वामिनी है और कामदेव की पत्नी है। रति का मतलब होता है रत होना, आनंद प्राप्त करना, तृप्ति प्राप्त करना। और ये जो देवी रति हैं, दक्ष की पुत्री हैं या फिर गांधर्व कन्या, इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपीनाथ यानी गोपेश्वर नाथ का मंदिर है और इस मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर एक कुंड है जिन्हें देवी रति का कुंड माना जाता है। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म किया था तो यहीं पर कामदेव की पत्नी रति ने तपस्या की थी और उसके बाद से शिव को यहाँ पर रतीश्वर के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं वहाँ पर देवी रति और कामदेव आज भी मछलियों के रूप में रहते हैं। आप सब ने ये कहानी सुन रखी होगी कि कामदेव को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इससे होली की भी कहानी जुड़ी है, यह भी मैं आपको सुनाऊंगी। और बसंत पंचमी के अवसर पर माता सरस्वती के साथ साथ देवी रति और कामदेव की भी पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे आपके वैवाहिक यानी दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यदि आप प्रेमी हैं, युगल हैं, तो आपके लिए ये दिन काफी शुभ है। अगर आप कामदेव की इस कहानी को शुरू करने से पहले कामदेव का एक बीज मंत्र है, उसे पढ़ते हैं। ओम कामदेवाय विद्यते रतिप्रियाये धीमहि तन्नो अनं प्रचोदयात्। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपका दाम्पत्य जीवन काफी सुखद हो जाता है, तो बसंत पंचमी के दिन अगर आप चाहें तो इस बीज मंत्र का जाप कर सकते, या फिर आप इसे यूं ही अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सुन सकते हैं। रति नाम का मतलब क्या होता है? रति का अर्थ होता है रत होना, आनंद यानी कि तृप्ति की प्राप्ति करना। देवी रति दक्ष की पुत्री हैं। अधिकतर कहानियों में देवी रति को दक्ष की पुत्री बताया गया है या फिर इन्हें एक गांधर्व कन्या के रूप में भी स्वीकार किया गया है। देवी रति और कामदेव से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उनका नाम वसंत था। हमारे देश में कामदेव की बहुत सारी स्टोरीज हैं। जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कामदेव को प्रेम और आकर्षण के देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पता चलता है कि कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं, जिनका विवाह देवी रति के साथ हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती हैं। कुछ कथाओं में इन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता है। जब भी आप कामदेव के चित्र को देखेंगे, ये सुनहरे पंखों से युक्त है, एक सुंदर से नवयुवक के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। इनके हाथ में धनुष और बाण दिखाई देता है। इनका धनुष गन्ने का है और इनके जो बाण हैं वो अशोक के महकते हुए फूलों के हैं, साथ ही सफ़ेद, नीले कमल, चमेली और आम के वृक्ष पे फूलने वाले फूलों के बने हुए हैं। कामदेव के 5 बाण हैं जिनका नाम है मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण और उम्मादन। ये तोते के रथ पे सवार होते हैं और इनके पास एक लाल ध्वजा होती है जिसपे मकर अंकित होता है। कुछ कुछ शास्त्रों में ये हाथी पे बैठे हुए भी दिखाए या बताए गए हैं। कामदेव को वसंत के देवता के रूप में जाना जाता है और इनकी पूजा वसंत पंचमी को की जाती है। कामदेव के कई सारे नाम हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध नाम मदन भी है और उनका मंदिर भी है असम में। मदन कामदेव मंदिर को असम के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। ये मंदिर घने जंगलों के भीतर पेड़ों से छुपा हुआ है और कहते हैं कि भगवान शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोलकर इन्हें भस्म किया था
तो कामदेव ने इसी स्थान पे पुनर्जन्म लिया था और उनकी पत्नी रति के साथ उनका पुनः मिलन हुआ था। कामदेव का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी अपनी प्रजा की वृद्धि की कामना में ध्यान मग्न थे। उसी समय उनके अंश के द्वारा तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ और कहने लगा कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया, किंतु वो तो सृष्टि की रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस काम की आज्ञा देता हूँ। ये सुनते ही कामदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ये देख के ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें शाप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए जल्दी ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। शाप को सुनकर कामदेव डर गए, भयभीत होकर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने माफी मांगने लगे। कामदेव जी की अनुनय विनय से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। तुम स्त्रियों के कटाक्ष, केश, जंघा, वक्ष, नाभि, जंगमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैसाख के महीने में रह सकते हो। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कामदेव को कुछ पुष्प और धनुष बाण देकर विदा कर दिया। अब ब्रह्मा जी से मिले हुए वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम से वशीभूत कर लिया। फिर मछली के ध्वज लगाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को वशीभूत करने के लिए आगे बढ़ गए। इसी क्रम में देवी सती के अग्नि समाधि लेने के बाद शिव जी काफी परेशान रहते थे और वो ध्यान योग में चले गए। काफी टाइम तक वो तपस्या में यूं ही लीन रहे। माता पार्वती शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काफी प्रयास कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रही थी। इस बीच कामदेव ने उनकी सहायता के लिए एक छोटे से जंतु का रूप ले लिया और कान के छेद से भगवान शिव जी के शरीर में चले गए। अब इससे शिव जी का मन चंचल हो गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने देखा कि कामदेव उनके शरीर में स्थित हैं। इतने में कामदेव भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए और उन्होंने शिव जी के ऊपर मोहक बाण छोड़ दिया जो शिव जी के हृदय पर जाकर लग गया। इस बात से क्रोधित होकर शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उनको भस्म कर दिया। अब कामदेव को जलता देखकर उनकी पत्नी काफी परेशान हो गई, विलाप करने लगी और कहने लगी कि कामदेव की कोई गलती नहीं है, उन्होंने माता पार्वती की मदद करने के लिए ऐसा कहा था। तो शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित कर दिया था, इसलिए मैंने इन्हें भस्म कर दिया। अब ये अनंग रहेंगे, यानी बिना शरीर के भी समर्थ रहेंगे और जब कृष्णा अवतार होगा उस समय रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेंगे और इनका नाम प्रद्युम्न होगा। अब जब शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, अब कामदेव श्री कृष्ण के घर में प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं और श्री कृष्ण के दुश्मनी शंबरासुर से चलती थी, जिसकी वजह से एक बार उसने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उन्हें समंदर में फेंक, जहां उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों के द्वारा पकड़कर शंबरासुर की रसोई में ही पहुंच गई। उस समय रति ने रसोई में काम करने वाली एक स्त्री मायावती का रूप धारण किया और रसोई घर में पहुंच गई, मछली को स्वयं काटा और उससे बच्चे को निकाल कर उनको पाला पोसा। फिर जब वो बड़े हो गए तो उन्हें पूर्व जन्म की सारी याद दिलाई और उनको सारी कलाएं भी सिखाई। अब जाकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और फिर मायावती को अपनी पत्नी बनाकर द्वारका ले आए। तो ये थी हमारे काम के देवता कामदेव और रति की कहानी। इस बसंत पंचमी आप अपने दांपत्य जीवन में सुख पाने के लिए कामदेव और रति की पूजा जरूर करें। सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती और गणेश की पूजा करें, साथ ही कामदेव और रति की पूजा भी करें। कामदेव की पूजा किस तरह करनी चाहिए? कामदेव की पूजा करते समय आपको उत्तर पश्चिम में मुख करके बैठना चाहिए। पुष्प और वस्त्र अर्पित करने के बाद उनका बीज मंत्र भी पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलें। अपने दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस वैलेंटाइन आप अंग्रेजी नहीं हिंदी वाला वैलेंटाइन डे मनाएं और कामदेव और रति की पूजा जरूर करें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह की एक से बढ़कर एक स्टोरीज को आपके साथ शेयर करती रहूं। धन्यवाद।